लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की जनसभा आयोजित की गई है। वैसे तो पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस जनसभा के बारे में और इसको सफल बनाने के लिए अपना हर प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं यह अपील कर रही हूं, ताकि यह अपील ज़िले के कोने कोने तक जाए कि अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग 10 तारीख को 11:30 बजे हरी सिंह विद्यालय के प्रांगण में आएं और लोक जनशक्ति पार्टी की सभा में अधिक से अधिक संख्या में आएं और एक मजबूत पार्टी, एक युवा नेता को और मजबूती दे। मैंने भी अपने स्तर से साहेबगंज में, कांटी में, मड़बन में, पारू और सरैया में भ्रमण किया है, लोगों से अपील किया है, मीटिंग की है और अब आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू यह अपील आम जनता से कर रही हूं कि वह सभी आएं और अपने चहेते नेता का भाषण सुने। हरी सिंह उच्चतर विद्यालय साहेबगंज। भीड़ की संख्या अपार होगी, बहुत बड़ी भीड़ होगी, क्योंकि श्री चिराग पासवान जी की लोकप्रियता बहुत है, उनको सुनने के लिए युवा आते हैं, उनको सुनने के लिए समाज के हर वर्ग के लोग आते हैं और हमारी यह उम्मीद है कि वहाँ पर एक इंच भी जगह ऐसा नहीं बचेगा जो खाली दिखेगा। वैशाली में लगातार चिराग पासवान की सभाएं हो रही है, इसकी वजह क्या है? वैशाली पिछले 10 सालों से LJP के वहाँ से सांसद रहे हैं और वहाँ पर संगठन मजबूत है, उनके सांसद रहे 10 साल से और हम उम्मीद करते हैं, हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता, कि इस बार भी वैशाली में लोजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। चिराग पासवान जी बिहार के हर कोने में, हर ज़िले में उनकी मीटिंग हुई है, बड़ी से बड़ी जनसभा हुई है, वो जहां भी खड़े होते हैं उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा होते हैं। पिछली बार जब आप लोजपा में शामिल हुई थी उस समय जो जनसभा किया गया था उस वक्त बीना देवी नहीं शामिल हुई थी उस जी जी सभा में। हाँ। इस बार उन लोगों का आमंत्रण मिला है क्योंकि उनका आरोप था कि आपने आमंत्रित नहीं किया, इस बार वो आएंगे कि नहीं? जरूर आएंगे, वो सांसद हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं पार्टी के सदस्य नहीं है तो फिर अब देखा जाए। मैं तो नई कार्यकर्ता हूँ और मैं, जैसा मैंने पहले कहा कि यह प्रश्न आप पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की ओर डायरेक्ट करें, उनसे मुखातिब हों, वही इसका सही जवाब देंगे। एक सवाल जी, और जी, मेरा है जी। आपका परिवार शुरू से कांग्रेस के लिए रहा है, जी, इस बार लोजपा में जाने का क्या मकसद? देखिए, ये बात सही है कि यह परिवार ने कांग्रेस के लिए बहुत योगदान किया, लेकिन आज का कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रहा है और जनता की जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उस पर वह कांग्रेस बिहार में खरा नहीं उतरा है। किसी भी पार्टी को भला बुरा कहने का मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहती हूं कि एक ऐसे पार्टी, एक ऐसे गठबंधन से जुड़ूं जो यहां की जनता से जिसका तालमेल, जो यहां की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। भाजपा खड़ा नहीं उतर पा रही थी तो भाजपा छोड़ लोजपा में गई है? ये ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि ये छोड़कर उधर गए हैं, गठबंधन एक ही है। BJP तो ज़्यादा बड़ी पार्टी है और संगठन भी इससे ज़्यादा मजबूत। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि एक पार्टी बेहतर है और एक पार्टी खराब है? सीट वो लोजपा की रही है तो क्या आप आश्वस्त हैं कि लोजपा का टिकट मिलने जा रही है? मैंने सीट के लिए कभी भी दावेदारी लोजपा में नहीं की है। मैंने एक कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी को ज्वाइन किया है और एक कार्यकर्ता की हैसियत से ही यह अपील आज कर रही हूं कि चिराग जी की सभा में वह आए। उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा की चर्चा है? यह तो मैं नहीं कह सकती हूँ, यह दायित्व केवल और केवल श्री चिराग पासवान जी का है। किस पर निशाना? आप लोग आए, आप लोगों को धन्यवाद।
10 तारीख का पहले हम लोग जो है 10 तारीख 12 में लगे हुए हैं। मेरा एक कार्यकर्ता पूरे जिले का, पूरे वैशाली का लगा हुआ है। पहले तो हम इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से जन जन तक हम इसको पहुँचाएँ। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि पहले हम नीतीश जी को पहले जो है सो हम ये कर रहे थे और लालू परिवार को कर रहे थे। हमारा ही एक नेता है कि किसी को कोई अपशब्द कभी नहीं सुनेगा। हम कामों के चलते किसी का हम विरोध कर सकते हैं, काम का जो है उनका नीति का विरोध कर सकते हैं। हम किसी को गाली देने का काम न मेरा नेता किया है न करता है, हम नहीं कर सकते करें। कल उम्मीदवार के नाम की घोषणा की भी चर्चा है, तो पार्टी की तरफ से कल क्या कुछ किया जाएगा? देखिए हम लोग राष्ट्रीय कमेटी में हैं। हम लोग सब कुछ हम लोग तय कर करके उनको हम लोग करती हैं। एनडीए में आपको कितना सीट मिलता है? हमारा डिमांड वही था जो 6 लोकसभा 1 राज्यसभा 7 हमारा डिमांड। सहमति बंद? सहमति तो अभी कहाँ किसी का घोषणा नहीं हुआ, इसलिए हम मानते हैं कि हमारी भी सहमति है। कल तो चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात की। अभी तो दौर चल रहा है, जेपी नड्डा जी अमित शाह जी तो चलेगा ही। अभी तो जो की दावेदारी में वैशाली कन्फर्म है ना आपका? वैशाली था, है और रहेगा। और हाजीपुर? हाजीपुर मेरा है, हाजीपुर मेरे नेता का है, जिन्होंने ये दल बनाया, जिन्होंने अपने खून से जो है हाजीपुर का सींचा, उसका हकदार हम हैं, उसका हकदार वो नहीं है। विनीता विजय को लेकर वैशाली की जनता आशान्वित हो गई है, उनको टिकट मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है? आप तो सेंट्रल कमेटी में हैं। 21 जनवरी को विनीता विजय जी पार्टी ज्वाइन की है और लोगों ने देखा है, हमारी राष्ट्रीय कमेटी देखा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखे हैं, उस सभी को भरोसा है कि वैशाली मजबूत होगा, मुजफ्फरपुर मजबूत होगा, उत्तर बिहार मजबूत होगा। और इसके चलते सबकी आशाएँ विनीता विजय पर निश्चित रूप से लगी हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे सफलता मिलेगी। मतलब दावेदारी विनीता विजय जी की कहे जा सकते हैं? दावेदारी तो जो भी पार्टी का मेंबर है सब लोग दावेदार हो सकते हैं, भी हैं न कैसे है, कोई भी जो है। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।